This call is now being recorded. तबे वर्तमान आलोचना करिबा तबे हमर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा वर्तमान जो 488 कैटेगरी अछि वर्तमान नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सेस बा एडेड कॉलेज मान करे वर्तमान सरकार को द्वारा गवर्नमेंट पोस्टिंग सब होउछि त सेहि विषय रे वर्तमान हमें प्रथम आलोचना करिबा एई नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मान करे जो वर्तमान पोस्टिंग होउछि से पोस्टिंग रे तुम देखि परथिबो वर्तमान सब पळे आछि ता पई वर्तमान रिक्रूटमेंट तो से रिक्रूटमेंट रे वर्तमान तार पेले सैलरी एटा दे आइछ 44900 लखे 42000 त ए 44900 सहित तार डीए जो 42% सेटा ऐड हे कि आसीबा किंतु सेतरे एचआर मिलि न थाए एटा गुटी माइनस पॉइंट रहउछि केवल नॉन गवर्नमेंट एड रे एचआर मिलुनी आउ सब रहउछि जो भला डीए मिलबा कथा से भला डीए मिलुछि एवं यार वर्तमान स्टार्ट हि सरिछि 11/9/2023 रु वर्तमान स्टार्ट हि आइछि त ये 13/10/2023 पर्यंत ये तो मानकर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू रहिछ त सेही मध्य तुम समस्त फॉर्म फिल करे पे चेष्टा करबा एवं प्रथम हम केवल जेतु संस्कृत विषय मु तो मानु कोठी कहया चाहू छी त से संस्कृत पोस्ट विषय वर्तमान देखिबा वर्तमान संस्कृत पोस्ट वर्तमान 37 तुम मानकर रहिछ संस्कृत रे एवं सेही 37 मध्य रु एसटी कैटेगरी जो जेंट्स रहिछ से 6टी पोस्ट रहिछ एवं तीनोटी होसी लेडीज मानक पई रहिछ एवं सेही भली एससी कैटेगरी 4टी पोस्ट रहिछ त 4टी वर्तमान एवं 2टी लेडीज पोस्ट रहिछि एवं ओबीसी एवं एससीबीसी उ तीनोटी पोस्ट रहिछि एवं सेथरु गुटिए पोस्ट होछि लेडीज एवं तापरे जनरल मानक पई 12टी पोस्ट रहिछि एवं से 12टी परे 6टी पोस्ट रहिछि लेडीज मानक पई त वर्तमान टोटल होछि हमर संस्कृत रे 37टा पोस्ट रहिछि एवं से 37टा पोस्ट रु यूआर जो पोस्ट रहिछि से होछि टोटल 25 एवं सेथरे लेडीज मानक रिजर्वेशन रहिछि 12टी रिजर्वेशन रहिछि तुमे समस्त देखि सारिछ या विषय मु बेसी किछि तुमानकु कहबाक चाहौ नाही तबे वर्तमान या पई कोन कोन सब रहिछि एलिजिबल तुमे केमिति हे परिबो ना केवल पीसी बा एमए जदि तुमे करितबो तबे तुमे एलिजिबल रहि परिबो आउ ता पई कोनसी आवश्यकता नाही एवं एज लिमिट पिले तो मानकर वर्तमान 21 रु 42 वर्ष पर्यंत रहिछि 21 रु 42 वर्ष पर्यंत किंतु ए वर्ष गुटे चेंज करिछि कोन चेंज करिछि ए रिक्रूटमेंट रे गुटे चेंज करिछि जदि तुम मानकर कोनसी प्रकार जे कोनसी गवर्नमेंट कॉलेज हो बा एडेड कॉलेज हो अथवा जे कोनसी एडेड कॉलेज 662 कैटेगरी जे तुम मानकर ब्लॉक ग्रांट इत्यादि रे तुम्हें जदि कोनसी वर्क करछ काम करछ तुम माने पाखरे जदि एक्सपीरियंस अछि सर्टिफिकेट तबे तुम 55 वर्ष पर्यंत हेले मध्य हला 55 वर्ष पर्यंत हेले मध्य तुमे अप्लाई करि परिबो एटा नुवा ए वर्ष दैछि जोटा कि पूर्व वर्ष मानक रे नथिला जे कोनसी प्लस 2 कॉलेज बा प्लस 3 कॉलेज से गवर्नमेंट हो अथवा एडेड हो से 488 कैटेगरी हो बा 662 हला 62 कैटेगरी हो जे कोनसी कैटेगरी हेले मध्य जे तुमर कोनसी प्रकार जे तुमर कोनसी प्रकार हला एक्सपीरियंस अछि तबे त 55 वर्ष पर्यंत हेले मध्य हला तुमे अप्लाई करि परिबो एटा न्यू रेगुलेशन हे छि तबे ए सब विषय तुमे समस्त देखि सारिथिबो एमे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पई केवल तुम मानकर केते हला तुमर केवल पीजी बा एमए जदि थिबो तबे तुमे अप्लाई करि परिबो एवं एप्लीकेबल मध्य हे परिबो किंतु एथि मानु छि पूर्वरु प्लस 3 रे तुम ऑनर्स मागुथला किंतु एबे से ऑनर्स को काटि दै छि पिले केवल एबे से तुमे पीजी करथिबा दरकार बा एमए तुमर प्लस 3 समय रे तुमर पास सब्जेक्ट थाउ बा तुमर इलेक्टिव संस्कृत थिले भी चलिबो बा तुम मानकर हला ऑनर्स संस्कृत थिले भी चलिबो सेथरे कोनसी प्रकार असुविधा नै किंतु तुमर पीजी पई से कहि छि पीजी रे तुम संस्कृत रहितबा दरकार एवं सेडी 55% रहितबा दरकार त एति केवल तुम मानकर रहउछि एलिजिबल हबा पई एवं जो माने एससीबीसी बा जो माने पीडब्ल्यू कैंडिडेट एसटी एससी समान पई 50% रहितबा दरकार ये सब गुड़ तुम देखी सारी एवं ये हूँ तुम पॉजिटिव मार्क जोड़ा कि जो मान पीएचडी थी समान रिटिन एग्जाम सहित 25 मार्क्स एडिशन एवं जो मान एमफिल जेआरएफ बा नेट थी समान 10 मार्क्स सहित एडिशन एवं दुईट याक जदि थी पीएचडी बा एमफिल जेआरएफ नेट जदि बोथ थी तेबे मते से 25 मार्क ही एड हबो एगुडी को तुम समस्त जानि थी एवं तो मान टोटल एग्जाम रिटिन एग्जाम 150 मार्क्स रहुची 150 मार्क्स तो मान कर रिटिन एग्जाम रहुची एवं कैरियर तो मान कर 25 मार्क्स रहुची यदि पीएचडी थिबो 20 मार्क 25 मार्क एवं पीएचडी सहित जेआरएफ नेट अथवा एमफिल थिले मध्ये से 25 मार्क्स रहुची एवं केवल जे तुमर नेट जेआरएफ अथवा एमफिल अछि तेबे मध्ये तो मान कर 10 मार्क्स रहुची केते मार्क होची 10 मार्क्स रहुची
এবং তার সাথে ভাইবা 25 মার্কস রয়েছে এবং টোটাল হচ্ছে 200 মার্কস টোটাল হচ্ছে তোমার কাছে 200 মার্কস রয়েছে এবং সবুঠারে বেশি তোমাকে ধ্যান দেবাক পড়িব 150 মার্কস রে যে রিটেন এক্সাম বলে পূর্ব বর্ষ মানকরে মধ্যে মু তোমানকু দেখাই দেবি যে পূর্ব বর্ষ মানকরে মধ্যে সবুটু বেশি এসএসবি রে প্রাধান্যতা দিয়া হচ্ছে রিটেন এক্সাম পাতে কাহে কি যদি তোমার সেতি কি এক্সপেরিয়েন্স নথিব তবে রিটেন এক্সাম রে তুমি ঠিক গুড মার্কস তুমি তাহলে সিকোয়ার্ড করি পারিব নাহি এনু সমস্তে মুখ্য ভাবে ধ্যান দেব রিটেন এক্সাম কু বহুত পিলা মানকর সেইভাবে মানসিকতা রই থাকে যে যে মানকর পিএইচডি আছে সেমানক পাই হচ্ছে কেবল ইলিজিবল এবং সেমান হি কেবল সার্ভিস পাই পারিবে এবং সেমান হেলা এই ধারণা তুমি কেতবেলে হলে রাখিব নাই তুমি দেখিব পূর্ব বর্ষ মানকরে মধ্য যদিও পিএইচডি পিলা পাইতিবে হেলে মধ্য দুই তিনটি পাইতিবে এবং যে মানে নন পিএইচডি মানে যে মানে এমফিল অথবা যে মানকরে নেট বা জেআরএফ থিব সেই মানে হি বেশি পাউছন্তি এসএস বিরে কাই কি সেমানে রিটেন এক্সাম রে সেমানকৰ বহুত সুন্দৰ মার্ক সেমানে ৰখি পৰচন্তি যাহা ফল রে সেমানে সিলেকশন হৈ পৰচন্তি এলা এসএসবি ডিগ্রি লেকচাৰৰ্স পাই সেই মানে তো মানে সমস্ত বেছি প্রাধান্য দব এই 150 মার্কস মানে এই 150 মার্কস রে যো মানে ভাল মার্ক ৰখিবে সেই মানে হি এলা কোয়ালিফাই হৈ পৰিবে ডিগ্রি লেকচাৰৰ পাই তো এই তলে আৰু তাৰপৰে 25 মার্কস এই যো আছে আমাৰ ভাইব পাই সেই ভাইবাৰে যো মানে যো ভাই ভাইবা কৰিবে সেই অনুসৰে সেমানক মার্ক মিলি থাকে এবং ক্যারিয়ার কু সমস্ত ধ্যান দবনি ক্যারিয়ার তুমি কেতে থাকিবনি যে তোমানে কৰ কেৱল পিএইচডি যো মানে আছে সেই মানে পাইবে এই ভৰি ভ্রান্ত ধারণা সবলে মনৰ তুমি বাহিৰ কৰি দেব কাৰণ পিএইচডি পিলা মানে মধ্যে সেতি কি মার্ক ৰখি পাৰি ন থান্তি কিন্তু যো মানে নেট জেআর পাইছন্দি বা এমফিল কৰছন্দি সেই পিলা মানে মধ্যে কোৱালিফাই থান্তি বা যো মানে কৰ পিসি কেৱল কৰি থান্তি রিসেন্ট যো মানে কৰ টস থিব পাঠ সহিত সে মানে অধিকা মার্ক ৰখি থান্তি তন 150 মার্কস অনুসারে হি হলা সার্ভিস জনা পড়িব বা সেমানে কোয়ালিফাই জনা পড়িব তো 150 মার্কস মাই হে সমস্তে বিশেষ ভাবে ধ্যান দেবাকু চেষ্টা করিব এবং এটিরে মাইনাস মার্কিং আছে মাইনাস মার্কিং তুমি জানিছ গোটে মার্ক যদি কমি যিব তবে 0.5 মার্কস তোমানে কর মাইনাস হইছিব এবং গোটিয়ে মার্ক টোটাল 100 মার্কস আসিব এবং সেই 100 কোশ্চিন আসিব এবং 100 কোশ্চিন পর কোশ্চিন হচ্ছে 1.5 মার্কস এবং টোটাল হচ্ছে 150 মার্কস 100 কোশ্চিন এবং সেতরে 150 মার্কস রয়েছে ইয়ে তুমি সমস্ত জানিছ তুমি সেই বিষয় গুড়িকে বিভিন্ন ইউটিউবার্স যে মানে আছেন্দি সেমানে দেখাই সারিছেন্দি তুমি মধ্যে পূর্ব বর্ষ মানকরে দেখি দিব তার সব জানিছ তুমি সেগুড়িক বিষয়ে মু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াকু চাও নাহি এবং তুমি তার অ্যাপ্লিকেশন ফি তুমি জানিছ যে মানে এসসি এসটি বা হ্যান্ডিক্যাপ সেমানে কেবল সেমানক পাই 200 টাকা আউ সমস্ত যেতে আছেন সমস্ত পাই 500 টাকা রয়েছে এবং তার ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ভিতরে তুমি সব দেখিব সে ইন্ডিয়ান হইতবা দরকার ইয়ে সব গুড়িক তোমার পাখে থিব কেবল গোটিয়ে জিনিস হচ্ছে কোণ না তুমি ওড়িশার মেট্রিক অথবা সেভেন স্ট্যান্ডার্ড রে যে ওড়িয়া এক্সাম আছে সেই ওড়িয়া এক্সাম পাস করিতবা দরকার ওড়িশার মেট্রিক দেইতবা দরকার অথবা ওড়িশার সেভেন স্ট্যান্ডার্ড রে যে ওড়িয়া এক্সাম রহুচি সেইটা তুমি পাস করিতবা দরকার নহলে তুমি ইলিজিবল হই পারিব নাহি তারপরে পুনে বিভিন্ন প্রকার সব পিলে কন্ডিশন রয়েছে তুমি জানিছ সরকারের যে কন্ডিশন রয়েছে যে ইয়ে হচ্ছে সব নন গভর্নমেন্ট এডেড কলেজ এবং এই নন গভর্নমেন্ট এডেড কলেজ যে মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে সেমানে সব গভর্নমেন্ট সব কেবল নন গভর্নমেন্ট কলেজ হচ্ছে নন গভর্নমেন্ট কিন্তু যে মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে সেমানে সমস্ত হচ্ছে গভর্নমেন্ট র ইয়ে সব তুমি জানিছ বলে এবং নেক্সট কোন কোন সব ডকুমেন্ট যে সময় তুমি সিলেকশন হব সিলেকশন হলে সময় ভেরিফিকেশন কোন কোন হব সেসব ডকুমেন্ট গুড়িক আছে সেগুড়িক সেই সময় চর্চা করা দরকার পূর্ব এসব বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবা নাহি তো বর্তমানে আমি দেখিলে যে বর্তমানে এসএসবি দ্বারা আমার সংস্কৃত রে 37টি পোস্ট বলে বাহারছে এবং সেই 37টি পোস্ট ফার্স্ট টাইম বলে পূর্বরু ইয়া পূর্বরু কেবে হলে এতে পোস্ট বাহির নথিলা ফার্স্ট টাইম 37টা পোস্ট আছে যেটি কি জেনারেল পোস্ট হচ্ছে 12টা এবং লেডিস র 6টা বিষয়ে টোটাল হচ্ছে 18টা পোস্ট এই 18টা পোস্ট আজি পর্যন্ত হলা কেবে সংস্কৃতে এতে পোস্ট বাহির নথিলা ফার্স্ট টাইম বাহারুচে আর যে মানে বি তুমি সমস্তে বর্তমান অ্যাপ্লিকেবল আছ তুমি সমস্তে চেষ্টা করিব 150 মার্কস কু ধ্যান দেবা পাই কারণ এই 150 মার্কস যে মানে গুড মার্কস সিকোয়ার্ড করি থাকে সেই মানকর হি সার্ভিস হই থাকে আর তুমি তা ক্যারিয়ার পাই বিশেষ ভাবে ধ্যান দেব না বর্তমান দেখিবা তেবে ইয়ার সিলাবাস কোন আছে এই যে 150 মার্কস রহুছে এই 150 মার্কস পাই তো মানকর সিলাবাস কোন আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবা তো মানকর টোটাল হচ্ছে 100 কোশ্চিন আসিব এবং এই 100 কোশ্চিন র পর কোশ্চিন হচ্ছে 1.5 মার্কস পর কোশ্চিন 1.5 মার্কস আর টোটাল হচ্ছে 150 মার্কস আর যদি গোটিয়ে কোশ্চিন তোমার মাইনাস হব তবে 0.5 মার্কস নেগেটিভ রহিব তোমার মানে মাইনাস হইছে
वर्तमान देखिबा कोन कोन सब सिलेबस तो मानकर अछि एबे जो तो एसएसबी रो एग्जाम हबो से एग्जाम रे कोन कोन सिलेबस पुरणा पिले अछि सेही सिलेबस देखिबा वर्तमान न्यू सिलेबस हेबार अछि 2-3 दिन भितरे नेति भाबरे वेबसाइट रे पळे आसीबो तो मानकर न्यू सिलेबस किंतु सेही न्यू सिलेबस रे ए प्रीवियस सिलेबस रहिबो एवं प्रीवियस सिलेबस सहित अल्प किछि एडिशन हेबार अछि अल्प किछि मात्र ऐड हबो किंतु प्रीवियस सिलेबस जहा छि से प्रीवियस सिलेबस ही रहिबो सेतरे कोनसी प्रकार चेंजेबल हबो नाही हो तबे हमर सिलेबस कोन कोन रहि छि हमें देखिबा यूनिट 1 एबला पांचटी यूनिट अछि तो से यूनिट 1 रे वैदिक साहित्य से इतिहासः से वैदिक साहित्य इतिहास अछि एवं से वैदिक साहित्य इतिहास रे संहिता ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद अछि संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद सब गुड़ी का पुंखान पुंख पढिया को पढिबो तुमको एवं ता से वेदांगानी एवं बृहत देवता जो बृहत देवता तुम्हें जानी बेदर जहाँ को इतिहास व सूचना बोली कह जाए सी हूँ बृहत देवता एवं अनुक्रमणिका वेद भाष्यकार एवं वेदस्य काल निर्णय ये सब पॉइंट गुड़िक तुम्हें बेसिकली सब पढ़ाक पड़ो जेहतु ये सब थ्रु तुम मान क्वेश्चन आस तो वैदिक साहित्य इतिहास तो या देखने आम जान पार्टी संपूर्ण वेद रही तो संपूर्ण वेद को हमको पढ़िया पड़ो केवल बृहत देवता अनुक्रमणिका वेद भाष्यकार देखे सूक्त पढ़वानी ता नुह आम वेदर संहिता पढ़ा सहित वेद जो प्रसिद्ध सूक्त गुड़िक अच्छे से सूक्त गुड़िक देखा पड़ो ऋग वेद जो सब सूक्त धर उषा सूक्त है अग्नि सूक्त है इंद्र सूक्त है पुरुष सूक्त हूँ संवाद सूक्त गुड़िक अथर वेद जो काल सूक्त अच्छी पृथ्वी सूक्त ये समस्त सूक्त गुड़िक से गुड़ी का देखा तो ये जो राइट साइड रे तुम्हें जन पचार कौन सब राइट साइड रे एक्चुअली पिले एसएसबी रो बुक लिखी से एसएसबी रो एटा पेज नंबर माने संहिता धर को जीव तो एसएससी बुक रो मुझ लिखी एसएसबी बुक रेटर एक नंबर रे संहिता अच्छे एक नंबर पेज रे सात नंबर पेज रे ब्राह्मण अच्छे तो ये राइट साइड जो लिखाई से पेज नंबर तबे समस्त प्रकार सूक्त संवाद सूक्त गुड़िक पढ़ाक पड़ो तेब सहित वेद भाष्यकार वेदस्य काल निर्णय ये सब गुड़िक आम थोरली पढ़ाक पड़ो तेबे जाइकी हेबो तुम्हें जान एस एस बी क्वेश्चन जे टॉप लेवल क्वेश्चन है बहुत ओपीएससी ठारु मध्य बहुत बेस्ट हूँ एस एस बी जो क्वेश्चन गुड़िक तो से अनुसार आमको पढ़ाक पड़ो तो सेकेंड टर्म अच्छी देखा यूनिट टू रे कौन रही संस्कृत साहित्य इतिहास इटि संस्कृत साहित्य को बेसी फोकस कराई एस एस बी डिग्री लेक्चरर्स तो से कौन अच्छी ना रामायण एवं महाभारत तो रामायण महाभारत रे सब किछि पढ़िया पड़ो खाली रामायण महाभारत हिस्ट्री नुह रामायण रचना काल एवं रामायण टीका कार जिते सब टीका गुड़िक अच्छे से विषय पढ़ाक पड़ो रामायण से विषय वस्तु महाभारत से टीका टीकाकार का प्रसिद्धा टीका कौ गुड़िक सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध टीका सब संस्करण आनी कौन कौन सब संस्करण एडिशन से गुड़िक आमको सब पढ़ा टिके पिले खाली देखा और नेक्स्ट हूँ कौन ना पुराण से सामान्य परिचय पुणी आसला पुराण से सामान्य परिचय पुराण सामान्य परिचय हेले मध्ये जो आमर अच्छी पिले अष्टादश महापुराण से अष्टादश महापुराण रे कोठी केते श्लोक अच्छी एवं से श्लोक गुड़िक कोड़िक सात्विक राजसिक तामसिक पुराण से पुराण गुड़िकर सामान्य विषय वस्तु गुड़िक मध्ये देखा पड़ो ता सहित पुराण रो लक्षण परिचय एवं पुराण रो पारिभाषिक शब्द से गुड़िक मध्ये हमको आलोचना करिया पड़ो तापरे महाकाव्यानी महाकाव्यानी रे से कौन कर सब महाकाव्य देनी एठी निर्दिष्ट निर्दिष्ट महाकाव्य गुड़िक एठी पिले दिया निर्दिष्ट निर्दिष्ट महाकाव्य कौन दे अश्वघोष कालिदास भारती भट्टी कुमार दास माघ श्रीहर्ष यही प्रसिद्ध महा महाकवि मानकर ना सब दिखाई तो एठी जेहेतु प्रसिद्ध कवि दिखाई किंतु तांकर कृति गुड़िक दि जाए तो आमको केमिति पढ़िया पड़ो धर अश्वघोष लिखिच तो अश्वघोष केवल बुद्ध चरित्र पढ़ले हेनी बुद्ध चरित्र सहित सुंदरानंद को देखा पड़ो सारिपुत्र प्रकरण को देखा पड़ो कालिदास केवल अभिज्ञान शाकुंतल देखीदे हेनी कि कुमार संभव देखने हेनी कालिदास प्रशस्ति देखा पड़ो कालिदास जीवनी चरित्र विषय देखा पड़ो कालिदास जो प्रसिद्ध सातटी कृति अच्छी जोटा कि दुईट महाकाव्य रघुवंश अथवा कुमार संभव से तीनोटी मुख्य नाटक विक्रमोर्सिंह मालविकाग्निमित्त अभिज्ञान शाकुंतल दुईट गीतिकाव्य ऋतुसंहार सहित
मेघदूतम ए समस्त गुड़िक भारविंकर जहाँ अच्छी बा भट्टिंकर जहाँ जहाँ कृति अच्छी कुमारदास माघ श्रीहर्ष ए मानकर जहाँ जहाँ कृति लिखिछन्ते सेई कृति गुड़िक विषय पुंखानुपुंख भाव में आमको तर्जमा करिया पड़िबो एवं थरोली सब टर्म गुड़िक पढ़ाक पड़ो तापरे गद्य खंड काव्यानी खंड काव्य रे से कोनोसी प्रकार कविंकर ना देनी खंड काव्य रे केवल मेघदूत हंसदूत और पवन दूत एई तीनोटी दूत विषय से केवल चर्चा करिछि तो मेघदूत जोड़ा केवल कालिदासंकर हंसदूत जोड़ा कि धोईक द्वारा विरचित अच्छी से हंसदूत एटी रूप गोस्वामी हंसदूत किंतु नुह एटी हंसदूत केवल धोईकर जोड़ा से रही आ रूप गोस्वामी द्वारा विरचित जो हंसदूत से हंसदूत एसी नसु ना से पे पवन दूत एवं हंसदूत ये दुईटी सामान्य भाव में आमको तर्जमा करा पड़े पढ़ाक पड़ो एवं से गद्य काव्यानी पिले गद्य काव्य जदि आमे देखिबा तबे गद्य काव्य रे निर्दिष्ट ना सब दे दैछि तर सुबंधु आसिले एवं दंडी एवं बाण तो सुबंधु कर जते सब मुख्य तो केवल गुटिए कृति देखा छ बासवदत्ता एवं दंडी कर हला केवल दशकुमार चरित्र देखिले हबनी दंडी कर दशकुमार चरित्र सहित काव्य आदर्श बा अवंती सुंदरी कथा देखिया पड़िबो बाण भट्टंकर कादंबरी देखिया पड़िबो एवं ता सहित हर्ष चरितम बा पार्वती परिणय चंडी शतक ये सब गुड़िक जहा जहा कृति अच्छी बाण भट्टंकर पांचटी कृति से पांचटी कृति को विषय आमर सामान्य ज्ञान रहिबा दरकार एवं कथा काव्यानी एठी कथा काव्य केवल लिखी कथा काव्य कहिले एठी केवल जे हितोपदेश अथवा पंचरत्र ताहा नुह ताहा सहित जैन मानकर कथा काव्य गुड़िक विषय आमको पढ़िया पड़ो बौद्ध मानकर जो कथा काव्य सब एवं केते सब कथा काव्य अच्छी से कथा काव्य मानकर रचना रचनाकार किए एवं से मानकर काल कौन को विषय आलोचना कराई से आमको पढ़ाक पड़ो एवं उत्कलीय संस्कृत संस्कृत ज्ञान परिचय उत्कलीय संस्कृत ज्ञान परिचय मध्य निर्दिष्ट केवल दे दी जयदेव हलधर मिश्र शिवदेवाचार्य दिवाकर राय कृष्णानंद एवं विश्वनाथ जो गुड़िक प्रसिद्ध उत्कलीय माने से उत्कलीय मानकर माता पितांकर ना एवं सेमानकर जन्म समय एवं को राजांक निकट रे सेमाने आश्रित भावरे रहितले से विषय हमको देखिया पड़िबो एवं ता सहित सेमानकर जो कृति अछि से कृति रे कोथरे केतटी सर्ग अछि बा केतटी अंक अछि एवं को विषय रे से गुड़ी का वर्णना करा जाय अछि से गुड़ी का में आलोचना करबा एवं तापरे आसिला पिले मुख्य सिद्धांत कौमुदी रहा संज्ञा प्रकरण परिभाषा प्रकरण एवं कारक प्रकरण ये तीनोटी जाक प्रकरण विषय एठी आमको आलोचना करिया पड़िबो जोटा कि संपूर्ण भाव आलोचना करिया पड़िबो तो केवल लघु सिद्धांत अनुसार जदि आमे आलोचना करिबा तबे हेबोनी संज्ञा प्रकरण रो संपूर्ण बालरमा मन अनुसार एवं परिभाषा प्रकरण एवं कारक प्रकरण प्रत्येक पॉइंट गुड़ी को भल भाव आलोचना करिया पड़िबो विषय तुमको लागो छोटो बोली केवल संज्ञा परिभाषा कारक किंतु विषय छोटो नुह संज्ञा परिभाषा कारक प्रत्येक सूत्र सूत्र वार्तिक सह एवं वृत्ति सह आमको आलोचना करिया पड़िबो उदाहरण सह मध्य आमको देखिबाकु पड़िबो तापरे आमर फोर्थ जो यूनिट रहिला सेला नाटकानी काव्यानी एवं दर्शनांच एवं नाटकानी रे केवल अच्छी अभिज्ञान शाकुंतल केवल अभिज्ञान शाकुंतल अच्छी बोली तुम्हें छोटिया भाई बनी अभिज्ञान शाकुंतल प्रत्येक पंक्ति सह पात्र सह अंक सह रस सह अलंकार सह आमको पढ़ाक पड़ो जेहेतु अभिज्ञान शाकुंतल लिखाई तो संपूर्ण अभिज्ञान प्रत्येक अंक कौन चर्चा कराई कौटी पात्र को भली आलोचना कराई कौली टीका गुड़िक विषय आलोचना कराई से देखा पड़ो एवं द्वितीय मेघदूत कालिदासंकर लिखाई से पूर्व मेघ व उत्तर मेघ बोली किसी मेनसन कराएनि तेनाली दुईटी जाक मेघ विषय आलोचना करा पड़ो पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ प्रत्येक श्लोक सह से केमी नदी मान विषय वर्णना कराई पर्वत मान विषय केमी वर्णना कराई देश नगर विषय केमी वर्णना कराई प्रकृति विषय केमी वर्णना कराई देवता मानक विषय को भली वर्णना कराई से गुड़ी का आमको चर्चा करने को पड़ा मेघदूत एवं से भली आसले श्रीमद भगवत गीता एवं श्रीमद भगवत गीतार मेंशन कर दिया जाई एई अध्याय बोली विशेष भाव द्वितीय अध्याय एवं पंचदश अध्याय द्वितीय अध्याय पंचदश अध्याय को आम भल भाव पढ़ाक पड़ो जाणी से सब सी चेज कर पचार तो केवल द्वितीय अध्याय पंचदश अध्याय आम केवल श्लोक को देखिक अर्थ पढ़ले हेबनी द्वितीय अध्याय पंचदश अध्याय
हला श्लोक सहित पिले शंकर टीका को मध्य देखियो पड़िबो शंकराचार्य को द्वारा विरचित जो शंकर टीका पिले गीता भाष्य अछि से भाष्य को देखियो पड़िबो कारण सेही भाष्य अनुसार से पचारी दिया होछि जे एही भाष्य रे एही पदर अर्थ कोन बिले पचारी दिया होछि तनो गीता जो प्रसिद्ध भाष्य होछि शंकरंकर शंकराचार्यंकर सेही भाष्य अनुसार हमको देखियो पड़िबो हला शारीरिक भाष्य होछि ब्रह्मसूत्र एठी होछि गीता भाष्य शंकराचार्यंकर से विषय आलोचना करिया पड़िबो एवं सही भली फिफ्थ यूनिट होची साहित्य दर्पण एवं साहित्य दर्पण रे षष्ठ परिच्छेद रे जो हमर नाट्य तत्व विषय आलोचना कराई छी से नाट्य तत्व गुडी को हमें पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा सेठी पूर्व रंग एवं प्रस्तावना नांदी पंच संधि पंच अर्थ प्रकृत यह पंच अर्थोपक्षेपकाः नाटकम प्रकरणम एही वस्तु गुडी को अच्छी सब एगुडी को सब डिवाइडेशन अनुसार सब पढिया पडिबो समस्तंकर उदाहरण अनुसार एवं यत्न धर एठी पिले दे हला देइनी तनो से यत्न प्रत्याशा ए सब गुडी को मध्य हमको आलोचना करिया पडिबो एवं ता परे पुनि स्थार सहित पिले दशम परिच्छेद आकार साहित्य दर्पण रा दशम परिच्छेद जोटी अलंकार विषय आलोचना कराई छी सेई अलंकार मध्य रे मध्य कुहाई छी विभाजनम बिना कोनसी प्रकार विभाजन न हो धर अनुप्रास अलंकार रा पांचटी भेद अछि किंतु पांचटी भेद पढिया दरकार नै सामान्य भाव रे पढिया को पडिबो एतर यमक अलंकार पिल आसिला बा शेष अलंकार आठटी भेद अछि आठटीया को भेद पढिया दरकार नै हला सेबले वक्रोक्ति रे पिल भेद आसिला उपमा 27 टा भेद अछि त से 27 टा को पढिया दरकार नै धर उत्प्रेक्षा अलंकार आसुछि पिल हला 176 टा भेद अछि सेगुडी को सब आलोचना करिया दरकार नै केवल विभाजनम बिना बिना विभाजन रे सब अलंकार तार जो उदाहरण विशेष करके लक्षण उत्प्रेक्षा रूपक निदर्शन भ्रांतिमान अपनुति विभावना विशेषोक्ति प्रतिवस्तु उपमा अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थांतर न्यास समासोक्ति एवं स्वभावोक्ति ए अलंकार गुडीक जो लक्षण अछि एवं लक्षण सहित उदाहरण गुडीक हमकु पढिबा को पडिबो बिले तो टोटल होची केतोटी यूनिट पांचोटी यूनिट टोटल पांचोटी यूनिट बिले सबुठरु पांचोटी एको यूनिट रु प्राय 16टी लेखाय क्वेश्चन आसिताय हला जो पांचोटी यूनिट अछि से पांचोटी यूनिट रु सब 16टी लेखाय प्राय क्वेश्चन बिले आसते कोठी 16टा तो कोठी 17टा भी हेइ जाय किंतु 16टा लेखे सब यूनिट रे क्वेश्चन आसीबो एवं सब क्वेश्चन गुडी को केमिति हेइ थाए बिले सब क्वेश्चन गुडी को हला प्राय इंग्लिश रे आसीबो मो का आउथरे कहि दउ छी सब क्वेश्चन गुडी को संस्कृत सहित एडिशन हे कि रहिबो किंतु इंग्लिश रे मिक्स हे कि आसीबो इंग्लिश सहित सेटि संस्कृत ऐड हे कि रह कि आसीबो तनो हमर इंग्लिश रे टिके बेसिकल नॉलेज रहिला दरकार विशेष करके धर पिले पंच अर्थ प्रकृति होबा अलंकार गुडी को अलंकार को केमिति इंग्लिश रो मीनिंग ने आ जाय बस से बेला को भली पचारले हमें हला इंग्लिश रे पचारले हम ताको समाधान करि परिबा सेही अनुसार हमको सब गुडी को देखिया पड़िबा साधारण टर्म गुडी को जानिया पड़िबो माने बेसिक इंग्लिश नॉलेज टिके आवश्यकता आछे काहे कि सेबे सब इंग्लिश रे क्वेश्चन गुडी डाइवर्ट करिक आसी थाय हाउ तबे वर्तमान एई भली भाबरे मु समस्त को तो मानको वर्तमान एसएसबी रो जो विशेष सूची अछि से विशेष विषय तुमको जणाइले तुमे मोटर मध्य पूर्वरु देखि सारिथिबो बिले खाली जस्ट तुमको ओवरलुक करिछि वर्तमान तापरे देखिबा पिले हमकु कोन करिया पडिबो ना या पई खोजिबा को पडिबो कोन ना को ग्रंथ रे समस्त प्रकार हला विषय गुडी को अछि को ग्रंथ रे सब विषय गुडी को हम पाइबा पिले एसएसबी रो जो संपूर्ण सिलेबस अछि से संपूर्ण सिलेबस के मु हला पूर्वरु अल्प किछि लेखिथिलि पिले हला मु जो लेखी मु ग्रंथ रे केवल संस्कृत रे ही व्याख्या कर इंग्लीश रे मु लेखिनी मु केवल पिले इंग्लीश रे बेसिकल नॉलेज दरकार जोड़ा कि मु क्वेश्चन माध्यम रे तुमको देखेबी जेतले मु प्रत्येक सप्ताह रे हला जेतले दुई दुईटी टेस्ट हबो प्रत्येक सप्ताह रे तो सेई दुई दुईटी टेस्ट जेतबेले हबो सेई टेस्ट मानकर मु कोन करबी ना तो मानको सब देखेबी केमिति सब क्वेश्चन आसीबो हौ तबे वर्तमान पिले बुक बर्तन अछि ओइ बहीट अल्प प्रथम रु वर्षे पूर्व रु अल्प किछि लेखि दिलि पिले एबे ताकु मॉडिफाई करके संपूर्ण लेखि सारि छि एवं ए ग्रंथ रे केवल पुसा जे केवल तुमर सब्जेक्ट अछि तहा न सब्जेक्ट सहित एमसीक्यू मध्य पिले तयारी कराइ छि सब टॉपिक अनुसार तो मानकर एमसीक्यू मध्य कराइ छि किंतु एबे पर्यंत 500 पूर्व छपैतिली एबे आउ छपैनी काहे कि ना जेहेतु वर्तमान 2-4 दिन भितरे मॉडिफिकेशन मार छि
सिलेबस मॉडिफिकेशन है कि अमर वेबसाइट रे जो एसएसबी रो वेबसाइट अछि सेथरे एला सी शो करबो एवं जत्ते बेले से मॉडिफिकेशन हबो तार ठीक 5 दिन बा 10 दिन भीतर ए बुक पब्लिश हिचबो त कोन से जदि म पूर्वर धर छपई देबी किंतु अलग कोन से प्रकार त सहित सब्जेक्ट एडिशन है कि पड़े आसीबो तबे यार कोन से गरिमा रहिबनी मतलब बुक रो त तुमे माने मध्ये लॉस रे पड़िबो होई किनि दबो किंतु सेतरे किछि विषय रहिबनि सेहिथि मै मु पिले एला ये याको ए पर्यंत पब्लिश करिने मा तो मानको देई नाही तनो ठीक जते बेले पूरा संपूर्ण सिलेबस पळे आसीबो सिलेबस पळे आसिला पले किंतु मानकर जो अछि प्लीज तो मानकर सही अनुसार मु तुम समस्त को वर्तमान देबी एला तबे वर्तमान पर्यंत एला सिलेबस आसी नाही तनो प्राय समस्त जति कि एला महाजन येनगतस्स पंथा जो माने समान कहउछत किछि सब जो अछि सेतरे चेंजेबल हबो बिल कहउछि तो को सब्जेक्ट रे चेंजेबल हबो कोन नै सेट देखिबार अछि तमे सही अनुसार एला रखिबा तो संस्कृत तरंगिणी एला तो मानक पई हेल्पफुल हबो बिल सही आसर मु सब लेखि छि बिले सब पॉइंट गुडी का कारण सब विषय रु तुमे सर्च कर के आनिबा बही तो मानक पई बहुत पैसा आइ छबो एवं सब विषय गुडी को खोजि के लेखिबा मते बहुत कष्ट हबो तो एई ग्रंथ रे निहाती भाब रे एला बहुत विषय गुडी को सब मु जो विषय गुडी को सिलेबस रे ताकू देइ छि एवं सेई गुडी को क्वेश्चन पैटर्न अनुसार एमसीक्यू अनुसार मध्य तैयार कराइ छि एवं तो मानकर वर्तमान जो रिसेंट क्लास हबो हला तो मन कर जो रिसेंट क्लास हो पिले तार क्लास कोन कराई छी ना छोटा क्लास पिले प्रति सप्ताह रे अप टू एग्जाम आ तो मन कर सबले डाउट रहउतबो जे एग्जाम केबे हेबो पिले एग्जाम डिसेंबर रे हेबो मु प्रथम रु कहि देउछि पिले एग्जाम डिसेंबर रे हेबो आ अपॉइंटमेंट फेब्रुवारी रे दिया छी प्रथम रु कहि देउछि पिले हला तो मन कर जो एग्जाम हेबो एग्जाम डिसेंबर रे हेबो एवं अपॉइंटमेंट प्राय पिले फेब्रुवारी देबार संभावना आछी हला जेहेतु एप्रिल रे इलेक्शन हबार अछि तनु करे डिसेंबर एग्जाम हबो एवं फेब्रुअरी रे प्राय अपॉइंटमेंट देबे बोली हला प्राय जति के अनुसंधान करि के बाबा हर सुनि के हला मु कहू छी त सेहित में तुमन को जोर जोर प्रिपरेशन करिया पड़िबो तबे सही त आमे केमिति करिबा ना प्रत्येक दिन पले 6टा क्लास छै प्रत्येक दिन 6टी क्लास छै 6टी क्लास केमिति कराइ छी ना मॉर्निंग सेक्शन रे हला तो मानकर पिले तीनोटी क्लास अछि सॉरी मॉर्निंग सेक्शन रे तुमन कर दुईटी क्लास अछि हला मॉर्निंग सेक्शन रे दुईटी क्लास अछि आ इवनिंग सेक्शन रे तुमर चारोटी क्लास अछि मॉर्निंग सेक्शन रे दुईटी क्लास एवं इवनिंग सेक्शन रे हला तुमन कर चारोटी क्लास अछि ना केमिति ना जो दुईटी क्लास अछि से दुईटी क्लास सकाळ 6टा रु गुटा आरंभ हबो 6टा रु पिले 7:30 पर्यंत एवं इवनिंग सेक्शन रे जो क्लास अछि से 6:45 रु स्टार्ट हबो 6:45 रु 7:00 एला पिले 7:00 एला ना सर 8:00 पर्यंत 8:15 पर्यंत अछि इवनिंग सेक्शन रे 6:45 रु 8:15 पर्यंत इवनिंग सेक्शन रे क्लास अछि हला एवं ता सहित तुमर सप्ताह को दुईटी तुमन को कोन करा जीव ना अकॉर्डिंग टू एसएसबी सिलेबस बा एसएसबी क्वेश्चन अनुसार तुमन को दिया जीव एग्जाम एवं तो प्रत्येक हला सप्ताह रे दुई दुईटी एग्जाम तो माने पाई परियो पिले एवं ता सहित प्रत्येक सप्ताह रो दुई दिन एक्स्ट्रा ता सहित दुई दिन तो मान का डाउट क्लियर क्लास रहबो डाउट क्लियर जहार भी चेक कोन से प्रकार डाउट थाउ से डाउट क्लास मध्य दुईटी क्लास एक्स्ट्रा तुम रहबो पिले एवं प्रत्येक दिन जहा क्लास हबो धर एबे कोन हला बहुत पिलांकर असुविधा थाए को मानकर देह खराब रहउछि बा को मानकर मेडिकल किछि इशू रहउछि तो से माने क्लास करी जो माने क्लास करी परिबे नाही से मानकर रेकॉर्डेड क्लास जीवो रेकॉर्डेड क्लास केते हबो ना जत्ते बेले क्लास सरी जीवो क्लास सरीबार 1.5 घंटा परे क्लास सरीबार 1.5 घंटा परे हला तो मान को पाखो को से ग्रुप रे ही जडे पेड बैच ग्रुप थिबो से ग्रुप रे ही रिकॉर्डेड ता तो मान को पाखो पळेबो एवं तुमे जानि छ जो माने ओबवियसली तुम माने मो पखरे पडुछ और समस्त प्राय जानि थिबो से रिकॉर्डिंग उडे लिंक जिवो से लिंक उपरे क्लिक करले तुम सते जेमिति लागिवो बर्तन न्यू क्लास से भली तुमको लागिवो कोनसी प्रकार असुविधा नाही एवं सब क्लास गुडी को गूगल मीट रे हेबो हला सब क्लास गुडी को पिले गूगल मीट रे ही तुम मान कर हेबो अलगा कौन सी हम केवल गूगल मीट रे पिले रही तेणु तुम समस्त को गूगल मीट इजी जेहतु अलग सब असुविधा रही है सब रेकर्डेड क्लास रही तुम देखी सारी मैं किसी पे पूर्व क्लास गुड मु अल्प गोटे दिटा क्लास तुम डेमो क्लास हिसाब से गत काली पूर्व जो अलग पढ़ाऊ मुझ पिजिटी से ही समय क्लास किसी रेकर्ड सब छाड़ी बिले से ही आउ कि तुम मानक डेमो क्लास मुझे पढ़ेबी नेक्स्ट जो पढ़ेबी से डेमो क्लास देवी और किसी रेकर्डिंग देवी बिले जेहतु बर्तमान आम स्टार्ट के ना हमर स्टार्ट हबो पिले 22 तारीख दिन
आमर 22 तारीख स्टार्ट हेबो 22/9/2023 रे स्टार्ट हेबो काहे कि मु एपेट हुई स्टार्ट करि सानतनी किंतु असुविधा होछि पिले कोन किछि पिला अछन्ती जो माने आशावादी रहि छन्ती हला आरएसटी एग्जाम अछि पिले तो पिला मानकर किछि हाई स्कूल टीचर जोडा अछि रेगुलर हाई स्कूल टीचर से मानकर 21 तारीख अछि त 21 तारीख सरला परे 22 तारीख दिन तो मानकर हला स्टार्ट हिजबो क्लास एवं क्लास पिले मॉर्निंग सेक्शन रे 2टा रहिबो आ इवनिंग सेक्शन रे 4टा क्लास रहिबो इवनिंग से 4टा टोटल सप्ताह रे 6टा एवं ता से तो 2टा तो मानको एग्जाम करा जीव जोडा कि ऑनलाइन एग्जाम हबो जोडा कि एसएसबी रे जो भली इंग्लिश सहित येटा ऐड हि रहि छि संस्कृत ऐड रहि गेउ छि सेही अनुसार क्वेश्चन उड का आसीबो प्राइस रे 30 बा 40 मार्क्स 50 मार्क्स से बला आसीबो जो माने मो पाखरे पढुछ बा तुम जानि छ सेही भली YouTube रे देखियो बिना पानी संस्कृत कोचिंग से सब क्वेश्चन उड का आसी सेही टाइप रे सब क्वेश्चन तो मानकर दिया जीव आ 2टी तो मानकर डाउट क्लास रहिबो सेही जो 2टा डाउट क्लास क्लियर रहिबो सेटा अलगा समय रे रहिबो एही समय रहिबो नि सेटा अलगा समय रे हि रहिबो हो तबे पिले समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद जति पिले वर्तमान आउ किछि कहर किछि पचारिबार थिबो तबे मते तुमे पचारि पारो बिना निर्द्वंद रे मध्य त मते पिले पचारि पारो जति किछि कहर